क्लास 11 के लिए अकाउंटेंसी फीवर चैनल में आपके लिए अकाउंटेंसी इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन करके नया टॉपिक जो है उससे मैं आपको अवेयर करूंगा। आज मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर के, और यहाँ पे हमारी बातें आपसे होंगी इस टॉपिक पे। लेकिन मैं आप क्लास 11 के बच्चों से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियोज को देखिए, और मैं श्योर हूं कि आप इन वीडियोज को देखने के बाद आपको अलग से किसी प्रकार की साइड हेल्प की जरूरत नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम टेक्निकल इश्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करते चले जाएंगे, और आप कायदे से हमारे वीडियोस को अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें। प्लीज आप लोगों का ये सपोर्ट जरूर मुझे नए वीडियोज बनाने के लिए तैयार करेगा। मैं मेंटली आप लोगों के लिए प्रिपेयर रहूंगा। और आइए टॉपिक पे चलते हैं। मैंने पहले आप लोगों से बात की थी कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो 3 मेन एलिमेंट्स है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और साथ में मैंने आपसे बताया था कि 4 आइटम्स और होते हैं जो कैपिटल को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैपिटल को इफेक्ट डालते हैं, एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट। ये 4 आइटम, तो ये मेन 3 एलिमेंट्स हो गए, ये एक्सपेंस, लॉस, इनकम और प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा था पिछले वीडियोज में कि आपको इन्हीं 7 आइटम्स में पूरे अकाउंट का स्ट्रक्चर देखना है, समझना है। हमें एक एक टॉपिक को समझना है कि क्या एसेट्स है, क्या कैपिटल है, क्या लाइबिलिटीज है, और एक्सपेंस, लॉस, इनकम और प्रॉफिट जो देखने में बड़े आसान से शब्द हैं, लेकिन इनको टेक्निकली हमें पहचानना जब पड़ेगा तो पता चलेगा कि मैं कैसे इसको पहचान पाता हूँ। अगर हमको इसकी पहचान हो गई तो मैं श्योर हूँ कि आपको अकाउंट्स बहुत ही ईजी ऑन योर थंब आपको समझ में आने लगेगा। हम लोग इस टॉपिक और अकाउंटिंग यानी कभी भी जो हमारा एसेट्स है बिजनेस में वो किसके सिमिलर होता है, किसके इक्वल होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये बातें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। आइए हम आज यहाँ एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि कैसे कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगा तो किस प्रकार से हम ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में सेट करते हैं। सपोज दैट एक पर्सन है मोहन, स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख। मोहन ने 1 लाख रुपीज से एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो मोहन जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो 1 लाख रुपीज बिजनेस में लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? 1 लाख रुपीज, रुपीज यानी उन्होंने अपने घर का पैसा 1 लाख रुपीज बिजनेस में ला के दे दिया, यानी घर से उन्होंने जो पैसा दिया उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैश। कितना दिया भाई? 1 लाख रुपीज घर का पैसा उन्होंने लगाया, यानी उसको क्या बोलेंगे, बाई सेल, उन्होंने खुद से पैसा बिजनेस में ला के दिया। और जब दिया तो उसका नाम क्या दिया गया था? कैपिटल। कैपिटल के बारे में आपको डिफिनेशन बताया गया, व्हाट इज कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाई सेल इज कॉल्ड व्हाट, कैपिटल। जो पैसा हम बिजनेस में अपने पास लगा उसको कैपिटल बोलते हैं। तो जब मैंने ये पैसे दिए बिजनेस में 1 लाख रुपीज, मोहन ने जब दिया तो उनके घर से पैसा गया कहाँ गया भाई, शॉप में, बिजनेस में। तो बिजनेस में अभी क्या आ गया, 1 लाख रुपीज, और इस शॉप में 1 लाख रुपीज पड़ा हुआ है, तो ये वैल्यूएबल है। और जब वैल्यूएबल है तो जो भी वैल्यूएबल थिंग्स होते हैं आपको पता है वैल्यूएबल थिंग्स क्या होते हैं, एसेट। तो इस तरह से अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे कैश जो है 1 लाख रुपीज, ये हमारा क्या हो गया, 1 लाख रुपीज कैश, ये हो गया कैश एसेट। कैश क्या होता है, एसेट, बिजनेस में आ गया, वैल्यूएबल है, इसलिए क्या हो गया भाई, ये एसेट हो गया। लेकिन हमने जो बिजनेस में पैसा अपने पास से लगाया उसको हम नाम क्या देते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपीज यहाँ पे शो कर दिया गया। इस तरह से अगर देखो तो अभी बिजनेस में कोई नया आइटम नहीं है, पहले दिन फर्स्ट डे मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया और उस दिन उसने पहली बार 1 लाख रुपीज अपने शॉप में लाया।
और ऐसे में कैश 1 लाख दैट इज एसेट एंड दैट कैश इज आल्सो कॉल्ड लाइक कैपिटल दैट्स व्हाई बोथ आर इक्वल। इस साइड में आप क्या देख रहे हो 1 लाख रुपीज कैश दैट इज सिमिलर टू कैपिटल 1 लाख रुपीज, यानी जो कैपिटल है 1 लाख वही आपके बिजनेस का क्या बन गया है एसेट भी बन गया 1 लाख रुपीज। तो इस तरह से दोनों तरफ इक्वल दिख रहा है, पहला ट्रांजेक्शन ही हुआ। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे, फर्नीचर परचेज ऑफ रुपीज 20,000। मोहन ने अभी 1 लाख रुपीज तो भैया कैश तो बेचेगा नहीं शॉप में रख के, तो पूरे दुकान में कैश टांग देगा और लोग आएंगे और 100 रुपए का नोट 120 रुपए में खरीद के ले आएंगे, तो क्या करेगा 1 लाख रुपीज के मनी से वो क्या करेगा, दुकान कैसे करेगा, अभी सोच रहा है कि क्या करे भाई इस 1 लाख से। तो उसने 1 लाख रुपीज में से कितना अमाउंट 20,000 रुपीज निकाला अपनी शॉप में से, और 20,000 रुपीज ले जाकर के उसने क्या किया फर्नीचर परचेज किया, दुकान का काउंटर रैक ये सारी चीजें जो है अपनी बैठने के लिए जो है काउंटर वगैरह बनाना तो ये सब खरीद के ला लिया। कितने रुपए का लाया 20,000 रुपीज का लाया। तो अभी उसके शॉप से क्या गया, गया क्या वो पॉकेट में लेके क्या गया कैश, कैश क्या था शॉप में उसके एसेट, और एसेट जो है क्या हुआ आया दुकान में कि गया, गया कैश एसेट है एसेट गया, ए माइनस हो गया ए फॉर एसेट ये गया। लेकिन जब कैश गया तो क्या आया उसके शॉप में कुछ आया भी, क्या आया भाई फर्नीचर आ गया। कितने का फर्नीचर आ गया उसकी कॉस्ट कितनी है 20,000 रुपीज। तो देखो एक नया फर्नीचर जो है, पहले हमारे दुकान में पहले दिन जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो कोई फर्नीचर नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था, कोई डेटर नहीं था, कोई बैंक लोन वगैरह नहीं है, कोई क्रेडिटर वगैरह नहीं है, सब ब्लैंक जा रहा भाई, केवल कैश और इधर कैपिटल। अब क्या हुआ 20,000 रुपीज का मैंने फर्नीचर परचेज किया तो कैश 20,000 रुपीज माइनस हो गया, ये एसेट एसेट है और ये एसेट गया कैश। तो अभी हमारे पास कैश कितना दिख रहा है 80,000 रुपीज। लेकिन ये कैश जब गया तो शॉप में कुछ आया कि नहीं आया, आया क्या आया भाई बताओ फर्नीचर, जो आया फर्नीचर वो वैल्यूएबल है तो मेरे दुकान में रहेगा कि मोहल्ले में कहीं रखवा देंगे चौराहे पे, वो भी मेरे शॉप में ही रहेगा और वो भी मैंने पैसे पे किया है वो भी वैल्यूएबल है, और ऑल वैल्यूएबल थिंग्स आर कॉल्ड व्हाट एसेट्स, दैट्स व्हाई वन एसेट कैश गोज आउट एंड अनदर एसेट फर्नीचर ऑफ रुपीज 20,000 कम सी, यानी ये देखो तो 20,000 का एक नया एसेट हमारे शॉप में आ गया दैट इज ऑफ रुपीज 20,000। देन नो डिस्कशन अबाउट एनी स्टॉक इट मींस दैट इज ब्लैंक, ये ब्लैंक। अभी बताओ क्या हुआ, हमने कोई नया कैपिटल लगाया क्या बिजनेस में, नहीं, तो कैपिटल हमारा कितना दिख रहा है 1 लाख रुपीज। बैंक से कोई लोन वगैरह है क्या, नहीं। ये सारी चीजें ना ये मैंने पहले बना लिया, लेकिन आप जरूरी नहीं कि आप पहले ये सारे वर्डिंग सीख लो, जैसे जैसे बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते जाएंगे उसी अकॉर्डिंग आपको ये नए नए टॉपिक्स नए नए एसेट नए नए लाइबिलिटीज को डिनोट करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने पहले से नोट कर रखा था। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 40,000। अब हमने क्या परचेज किया गुड्स, पहले भी हमने फर्नीचर परचेज किया था, अभी क्या परचेज किया गुड्स परचेज किया। गुड्स क्या होता है, गुड्स वो आइटम होते हैं जिनको हम खरीद के लाते हैं परचेज करके लाते हैं, क्यों लिए फॉर द पर्पज ऑफ सेल, व्हाई वी आर गोइंग टू सेल दी टाइप ऑफ गुड्स, बिकॉज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है ना। एक शॉपकीपर जो सामान दुकान में रख के और बेचता है, जिसको बेचने के लिए बुलाता है, बेचता है रख करके जिससे कि उसको बेचने से प्रॉफिट हो, वो काम वो रेगुलर करेगा, वही काम एवरी डे करेगा, वो सारी चीजें क्या होती है वो गुड्स कहलाती है। अब देखो दोनों में जरा टेक्निकल चेंज देखो, डिफरेंस देखो, फर्नीचर भी परचेज हुआ है, फर्नीचर परचेज फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर आया क्या गया भाई पैसा गया, यहाँ गुड्स खरीदा गुड्स परचेज, गुड्स भी खरीदे गुड्स आया और क्या गया पैसा गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो फर्नीचर हमने खरीदा है वो फर्नीचर मेरी दुकान में एक परमानेंट लॉन्ग टर्म तक 5-10 इयर्स तक 20 इयर्स तक मेरे दुकान में वैसे कॉन्स्टेंटली पड़ा रहेगा। दीज आर नॉट फॉर सेल,
दैट्स वाई दीज फर्नीचर आर कॉल्ड व्हाट फिक्स्ड एसेट। ये हमारे क्या होते हैं शॉप के फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये परमानेंट एसेट्स हैं, ये हमारे शॉप में अवेलेबल रहेंगे परमानेंटली, दीज आर नॉट फॉर सेल। बट गुड्स एंड फर्नीचर में क्या डिफरेंस हो गया, गुड्स क्या होता है, दीज आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ सेल टू अर्न प्रॉफिट। When we purchase some items for the purpose of sale, all these items are called goods. And goods जब purchase किया हमने, देखो ये भी valuable है, मैंने इसको खरीदा कितने में, 40,000 रुपीज में, ये भी valuable है, लेकिन तो ये भी asset हो गया। फर्नीचर खरीदा वो भी वैल्यूएबल है, वो भी एसेट हो गया, लेकिन दोनों एसेट में कुछ डिफरेंस है भाई, ये टेक्निकल चीज समझना है आपको। मैं बताऊं आपको, वीडियो या कहीं स्कूल के लेक्चर्स वगैरह में, कॉलेज के लेक्चर्स वगैरह में देखोगे ना, तो ये कुछ चीजें रह जाती हैं जिनको इस समय तत्काल नहीं आपको बताया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन टॉपिक्स को भी एनालाइज करना सीखो। क्या सीखना है यहाँ पे, कि जो हमने फर्नीचर खरीदा वो लॉन्ग टर्म के लिए है, दीज आर नॉट फॉर सेल, दैट्स व्हाई दीज आर एसेट। बट व्हाट टाइप ऑफ एसेट, these are fixed assets. Fixed asset क्या होते हैं, जो permanently long term तक more than 1 year तक हमारे shop में available रहता है उसको हम fixed asset कहते हैं। But when we purchase goods and we know it very well that goods are purchased only for the purpose of sale, that's why these are also valuable, but these are current assets. करेंट एसेट का मतलब क्या हो गया भाई, करेंट एसेट होता है कि वो एसेट जो विद इन ईयर चेंज हो जाए, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, जो आते रहेगा जाते रहेगा, जो परमानेंटली आना जाना उसका लगा रहेगा, रोज खरीद के लाओगे रोज बेचोगे, ये काम जो होता है जहां होगा यहां पे गुड्स वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कपड़े के दुकानदार कपड़े खरीद के लाएगा, कपड़ा बेचेगा, फिर खरीद के लाएगा, फिर बेचेगा। फर्नीचर का अगर शॉपकीपर है वो फर्नीचर ही बेचता है, तो फर्नीचर उसके लिए क्या हो गया गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक शॉपकीपर है तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो परचेज करता है, क्यों लिए, सेल करने के लिए, दैट मीन्स वो भी उसके क्या हो गए गुड्स। यानी जिस आइटम का आप रेगुलर परचेज और सेल करते हो उसी को हम गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो गुड्स भी वैल्यूएबल है, लेकिन गुड्स क्या है, गुड्स करेंट एसेट्स होता है। और अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं, गुड्स परचेज आप रुपीज 40,000 रुपीज, अभी गुड्स परचेज किया तो क्या हुआ, 40,000 रुपीज गुड्स खरीदा तो उसने 40,000 रुपीज कैश में से पेमेंट कर देगा। अभी कैश हमारे शॉप में कितना हो गया भाई, 40,000 हो गया। फर्नीचर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यानी हमने अभी कोई फर्नीचर नहीं परचेज किया है, तो इसलिए यहाँ पे वही अमाउंट कंटिन्यू हो जाएगा। जो गुड्स है उसके लिए देखो यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल हुआ है क्या, स्टॉक। अब लिखा मैंने गुड्स और लिख रहा है वहां पे क्या, स्टॉक। देखो गुड्स परचेज तो हुआ, लेकिन गुड्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, तो गुड्स विच आर अवेलेबल इन टू द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ सेल। All available goods into the business are called stock. All available goods for the purpose of sale are called stock. आप कह सकते हो जो गुड्स हम परचेज करके लाते हैं, जब तक वो बिक नहीं जाता है, जब तक मैं शॉप में पड़ा रहता है, जिसको मैं कंट्रोल करता हूँ, जिसको मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, जिसको मैं देख रेख करता हूँ, जिसकी मैं सिक्योरिटी करता हूँ, जो मेरे लिए वैल्यूएबल होता है, तब तक वो हमारे लिए जब तक बिक नहीं जाता है उसको, उस गुड्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्टॉक बोलते हैं। इसलिए अभी ये बिका नहीं है, परचेज करके लाया गया है, इसलिए इसको हम स्टॉक के रूप में यहाँ पे दिखाएंगे। तो आप देखो ये 45 का कैश एसेट माइनस हो गया क्योंकि हमने गुड्स परचेज कर लिया, लेकिन गया क्या, कैश आया क्या, 40,000 रुपीज का स्टॉक आ गया। तो ये अभी तक मेरे शॉप में नहीं था, अब ये हमारे शॉप में हो गया 40,000 रुपीज का स्टॉक। तो इस तरह से अभी भी डेटा हमारे सामने कोई नहीं है, डेटस क्या होता है वो अभी आपको पता नहीं है, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, बस आप लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा भाई। बुरा मत मानना, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपसे इतना उम्मीद तो कर ही सकता हूं। तो यहाँ पे अभी क्या करना होगा, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, कैपिटल हमारा एज यूजुअल जैसे है वैसे रहेगा। बैंक से कोई लोन नहीं लिए हैं तो आप वैसे बैंक में ब्लैंक रख दो, ये भी आपका ब्लैंक जाएगा,
डॉट लगा के छोड़ दो, क्या दिखाई दे रहा, 40 20 40 equal to 1 lakh। जितना इधर दिख रहा है ऐसे सेम वैल्यू दिखना चाहिए आपका कैपिटल और लाइबिलिटीज का। तो ये कुछ टॉपिक है जो अभी हमने देखा, फिर अभी हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैलरी पेड ₹5000, सैलरी पे किया ₹5000 सैलरी मैंने अपने स्टाफ को जो मेरे वहां जॉब करता है एम्प्लॉय को मैंने दे दिया। अब ये जो मैं 5000 दे रहा हूं यहां पे भी कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। जरा एक चीज समझने की कोशिश करो, फर्नीचर परचेज किया 20000 का, कैश गया फर्नीचर आया। गुड्स परचेज किया हमने 40000 का, क्या हुआ, कैश गया, क्या आया, गुड्स आया। इन दोनों परचेज में एक चीज दिख रहा है कॉमन, कि कैश जा रहा है। तो और एक दूसरी कॉमन बात क्या दिख रही है कि कैश जब गया तो कुछ ना कुछ डायरेक्टली हमारे हाथ में आया भी, कैश गया पॉकेट से वो गया डायरेक्टली, तो क्या आया, गुड्स आया, फर्नीचर आया। तो पैसा गया तो कुछ आया तो दिख रहा है भाई, चलो ये चीज आया, मैं किसी को दिखा सकता हूं, विजिबल है, टचेबल है, मूवेबल है, दिख सकता है। अब यहां सोचना है कि सैलरी पे ₹5000 मैंने अपने स्टाफ को सैलरी दिया, तो ये बताओ सैलरी मैंने दिया, वो सैलरी लेके गया अपने घर, वो मुझे क्या दिया जो मैं लोगों को दिखाऊं, सर्विस दिया, सर्विस दिया, उसने कस्टमर को हमारे सामान बेचा, मेहनत किया, मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो इनविजिबल है उसकी सर्विस, वो डायरेक्टली मेरे हाथ में कुछ दे नहीं रहा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसने क्या दिया हमको सैलरी देने पे, थैंक यू दिया, मैं वो कहां पॉकेट में लेके घूमता फिर हूं कि मुझे पॉकेट में सैलरी मिला, उनके बदले में क्या मिला है, थैंक यू मिला है, वो दिखाई नहीं देगा थैंक यू, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पे जब मैंने फर्नीचर परचेज किया तो 20000 गया, गुड्स परचेज किया 20000 गया, ये कैश एसेट था, सैलरी 5000 दिया, यहां पे भी कैश है गया। तो आइए यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हमने 5000 सैलरी दिया तो ये 5000 हमने माइनस कर दिया, अभी मेरे काउंटर में शॉप में कितना पैसा पड़ा हुआ है 5000 रुपीज। फर्नीचर सेम है 20000 रुपीज, कोई चेंज नहीं, स्टॉक सेम है 40000 रुपीज, कोई चेंज नहीं, डेटस तो चल ही नहीं रहा है अभी, है ही नहीं, कोई चेंज नहीं। अब बात करेंगे यहाँ पे, हमने जब सैलरी दिया तो डायरेक्टली मेरे हाथ में क्या आया, कुछ नहीं आया था। यहां पे पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ये होगा एक्सपेंस, इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। और आपको अभी मैंने बताया था, फिर मैं नोट करूं तो एक्सपेंस से क्या होता है, कैपिटल पे इफेक्ट, कैपिटल होता है माइनस, लॉस से फिर क्या होता है, कैपिटल होता है माइनस, इनकम से क्या होता है, कैपिटल होता है प्लस, प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल होता है प्लस। ये चीजें आपको मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, जरूरत है आप इस पे कंट्रोल करना और पहचानना है कि एक्सपेंस लॉस इनकम प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना है और उसके इफेक्ट कैपिटल पे किस प्रकार से पुट अप करना है। तो यहाँ पे जब मैंने 5000 दिया तो ये हो जाएगा एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब होगा तो कैपिटल पे इसका इफेक्ट डालेंगे और क्या इफेक्ट हो गया, 5000 रुपीज लेस हो गया, ये दिखेगा आपका 95000 रुपीज, ये आपका यूं ही कंटिन्यू चलता जा रहा है। आप अगर देखो तो सेम अमाउंट बोथ साइड आपको दिखाई देगा, तो ये डिफरेंस है। ये जो हमने फर्नीचर परचेज किया ये क्या हमने सीखा, ये हमारा हो गया फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग ड्यूरेबल आइटम विच आर वैल्यूएबल एंड अवेलेबल इन टू द फॉर्म आर कार वॉट फिक्स्ड एसेट, शॉर्ट ड्यूरेबल वैल्यूएबल थिंग्स विच आर फॉर द पर्पज ऑफ सेल आर कॉल्ड गुड्स एंड ऑल दीज गुड्स आर ऑल्सो एसेट, बट वॉट टाइप ऑफ एसेट, दीज आर करेंट एसेट्स, सैलरी पेड दैट इज एक्सपेंस, ये एक्सपेंस हो गया, पैसा गया कुछ आया नहीं, इसलिए क्या ये एक्सपेंस हो गया। चलिए इसके बाद में कुछ क्वेश्चन और आपके सामने पुटअप करता हूं, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन अगला हमने पुटअप कर दिया यहां पे फिफ्थ पॉइंट, गुड्स ये छोड़ो, लोन
taken from bank rupees 30,000. Loan taken from bank rupees 30,000. Bank से हमने loan लिया. Loan लिया. Loan क्या होता है? जो हमें in future लौटाना पड़ेगा. Bank वाला पॉकेट में नहीं देगा. वो मुझे इससे बदले क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है और एक टाइम टेन्योर होता है. उस टाइम टेन्योर के अंदर हमको पैसा बैंक को वापस करना ही पड़ता है, अदरवाइज पूरा जमीन मेरे पैर के नीचे से खींच कर ले जाएगा. इसका मतलब हो गया हमने लोन लिया है. लोन टेकन फ्रॉम बैंक रूपी 30,000. लोन मैंने बताया है, लोन ही क्या है, लाइबिलिटी है, इन फ्यूचर हमको देना पड़ेगा. तो लोन लिया, लाइबिलिटी हो गया. और इस तरह से अभी तक तो लाइफ में हमारा लोन नहीं था बिजनेस में, लेकिन अब नया एक आइटम 30,000 रुपीज यहाँ पे लोन वर्ड का इस्तेमाल हो गया. ये 30,000 रुपीज लोन के कॉलम में यहाँ आ गया. लेकिन ये बताओ, जब मैंने यहाँ बैंक से लोन लिया, ये मेरा शॉप है, ये बैंक से मैंने 30,000 लिया, तो कहाँ आएगा? मेरे बिजनेस में आएगा. तो ये जो पैसा बिजनेस में आएगा लोन लेकर, ये जो पैसा आ रहा है ये भी वैल्यूएबल होगा ना. इसकी भी हम सिक्योरिटी सेफ्टी करेंगे. और जिसकी भी हम सेफ्टी सिक्योरिटी करेंगे वो क्या होता है? एसेट. यानी यहाँ पे बात करो अगर, तो एक बार देखो तो वही 30,000 रुपीज हमारे लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया. बिकॉज आई विल पे दैट मनी टू बैंक इन सम टाइम. एंड ये जो 30,000 मैंने लिया, वो 30,000 रुपीज मुझे काउंटर में मेरे ला के रखता हूं अगर, तो वो मेरे इस कैश में ऐड हो गया. तो ये भी वैल्यूएबल हो गया. और अब मेरे शॉप में काउंटर में 65,000 रुपीज है. इस पे कोई चेंज नहीं होगा, ये 20,000 रुपीज रह जाएगा. इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये 40,000 रुपीज रह जाएगा. ये कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा. यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये 95,000 रुपीज आएगा. और ये आपका 95,000 और ये आपका दिखेगा कितना 30,000. इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे आएगा. अब आप देखोगे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल ही होगा. ये हमारा था फिफ्थ ट्रांजेक्शन. सिक्स पॉइंट एक और आते हैं, देखते हैं. गुड्स परचेज, गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम दिनेश. गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम दिनेश. दिनेश से हमने गुड्स परचेज किया. तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया दिनेश. पहले भी हमने गुड्स परचेज किया था, आपको याद होगा 40,000 रुपीज के गुड्स परचेज किया था, लेकिन वहां पे हमने किसी पर्सन का नाम नहीं देखा था. तो यहाँ ध्यान देना, परचेज फ्रॉम दिनेश, यानी दिनेश से हमने खरीदा. ध्यान दो, इसका मतलब है हमने क्रेडिट पे परचेज किया. क्रेडिट परचेज को बोलेंगे. क्रेडिट परचेज का मतलब होता है भाई उधार खरीदा. दिनेश से हमने गुड्स उधार खरीदा, यानी पैसे मैंने उसको दिए नहीं. पैसे दिया नहीं यानी पैसे पे कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं. मेरे दुकान से, शॉप से पैसे तो गया नहीं. फर्नीचर की बात ही नहीं हो रही है. स्टॉक परचेज किए हैं, कितने का? 20,000. तो ये तो आएगा ना मेरे शॉप में. मैंने परचेज किया तो ये 20,000 का स्टॉक आ गया. ये हो गया 60,000. इस पे कोई इफेक्ट नहीं तो 20,000. और इस पे कोई इफेक्ट नहीं तो 65,000, क्योंकि कैश मैंने दिया नहीं है. तो ये हो गया 65,000. अब बात करें डेटर्स, तो डेटर्स भी वैसे ही जाएगा. हमने जब दिनेश से परचेज किया है ऑन क्रेडिट, तो ऑन क्रेडिट जिससे भी हम परचेज करेंगे, क्रेडिट परचेज करेंगे, जिससे भी परचेज करेंगे उसको हम एक नाम देते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स यानी उस दिनेश को हम क्रेडिटर बोलेंगे. क्रेडिटर का मतलब ये हो गया टू होम आई विल पे सम मनी इन फ्यूचर रिगार्डिंग परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स. उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में. और देना पड़ेगा इन फ्यूचर, उधार खरीदे हैं, देना पड़ेगा. और देना पड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? लाइबिलिटी. और इस तरह से यहाँ देखा जाए तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ना हमने कोई नया कैपिटल लाया, ना मैंने एक्सपेंस किया, ना कोई इनकम प्रॉफिट किया. बैंक लोन 30,000 का, ये ऐसे कंटिन्यू चलेगा. और मैंने अभी दिनेश से परचेज कर लिया, तो नया नया हमारे लिए 20,000 रुपीज का परचेजिंग है. ये 20,000 रुपीज का अब मेरे लिए एक अलग लायबिलिटी बन गया. और इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों साइड का टोटल
क्या होगा, इक्वल दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पे एक चीज सीखा, क्रेडिटर क्या होता है, ये सारे वर्ड्स को हम लोग को सीखते चले जाना है। एक क्वेश्चन में और आपके सामने अभी रखना चाहूंगा, वो सिक्स पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, सेवन पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू राकेश, हमने राकेश को गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड टू राकेश ऑफ रुपीज 15,000, हमने 15,000 का गुड्स राकेश को बेच दिया। ध्यान दो यहाँ पे किसको बेच दिया, राकेश को, कितने का गुड्स बेच दिया, 15,000। ये तो गुड्स की वैल्यू बता रहा है कि 15,000 का सामान हमने राकेश को बेचा है, लेकिन एक्चुअली राकेश नाम आ गया, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट सेल किया है भाई, क्रेडिट सेल इसको मानेंगे, जब नाम आ गया ना इसको मान लो क्रेडिट सेल। नाम मैंने रजिस्टर में नोट के लिया कि राकेश को बेचा है, इट मीन राकेश से इन फ्यूचर हमको पैसा बताओ लेना है कि देना है, तो पैसा यहाँ पे राकेश से लेना है, यानी मेरा पैसा राकेश के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैंने उसको गुड्स बेचा उसने मुझे तुरंत पैसे नहीं दिए। तो अब इस राकेश को हम कॉमर्स की भाषा में, अकाउंट की भाषा में, लैंग्वेज में हम इनको क्या बोलेंगे, डेटर। और इन ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। अब समझ लो जब किसी को उधार दे दो, इसीलिए दुकानदार किसी को उधार नहीं बेचना चाहता है, कौन जाए पंगा लेने, क्या है थोड़ा सा हम लोग इस पर एंजॉय करते हैं। डेटर्स जिसको हमने सामान उधार बेचा उससे इन फ्यूचर पैसा लेना है, अब सोचो उसको कोई मार दे, उस इंसान को कोई मार दिया, तब तो वो मेरा पैसा भी गया साथ में। इसलिए सोचो ना कि अपने बारे में कम सोचना रहता है, जिनको जिनको मैं उधार सामान बेचा रहता हूँ, क्रेडिट सेल किया रहता हूँ, उनके बारे में रोज हाल चाल पूछते रहो फोन करके कि है नहीं है, गायब हो गए, मर गए, जिंदा है, कोई मार दिया, क्या किया, क्योंकि भाई वो गए ना तो मेरा भी हिसाब किताब डूब जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये मेरे लिए क्या हो जाते हैं, बड़े वैल्यूएबल हो जाते हैं, और जब वैल्यूएबल हो जाते हैं क्योंकि इनके पास मेरा पैसा है, इसलिए राकेश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है। दुनिया में बहुत लोग हैं लेकिन राकेश से हमें लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राकेश को मेरे सामान बेचा है उधार, इनसे इन फ्यूचर पैसे लेने हैं, इसलिए हम लोग इनको डेटर मानते हुए क्या मान लेंगे, एसेट मान लेते हैं। तो अब देखो गुड्स हमने सेल किया, पैसा मिला क्या, नहीं, तो पैसा नहीं मिला तो काउंटर में तो कैश 65,000 रहेगा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं है तो ये 20,000 रुपीज ही रहेगा। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक क्या किया मैंने, बेच दिया गुड्स 15,000 का, तो बेचा है तो स्टॉक क्या होगा, कम हो जाएगा, पहले था 60,000 का, अभी कम हो गया, तो ये स्टॉक हो गया कितने का, 45,000 रुपीज का, ये हो गया। यहाँ डेटर्स एक नया आइटम, कितना पैसा हमको लेना है राकेश से, 15,000 रुपीज, और इस तरह से 15,000 रुपीज का एक नया एसेट हमारे लिए तैयार हो गया। और अब देखो तो क्या हुआ, कोई मेजर इश्यू नहीं है, एक एसेट स्टॉक हमारा एसेट है कम हो गया, कितने से, 15,000 से, जबकि इसके जगह पे दूसरा स्टॉक डेटर्स 15,000 से जनरेट हो गया, यानी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, एक में कम कर दो एक में प्लस कर दो, तो वही चीज है। कैपिटल पे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, 95,000 हो जाएगा। बैंक लोन कंटिन्यू रहेगा, हमने ना पे किया ना एक्स्ट्रा कोई लोन लिया। लाइबिलिटी क्रेडिटर ऐसे सेम रहेगा, क्योंकि हमने ना उनका पेमेंट फाइनल किया दिया और ना ही मैंने कोई नया लिया। इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी इतने टॉपिक हमारे क्लियर हैं, और फिर हम इसमें कुछ टॉपिक आपको और कुछ क्वेश्चंस में ऐड करके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा। फिलहाल इस टॉपिक को ध्यान दें और कोशिश करो कि अपने से आप कुछ और ट्रांजेक्शन बनाओ और इसको मैच करने की कोशिश करो, देखो कि दोनों साइड का टोटल इक्वल होना ही चाहिए। तो आप थोड़ा इमेजिन करो कुछ ट्रांजेक्शन को और उसको यहाँ पे पुट अप करने की कोशिश करो, हो सकता है आप बना पाते हो, बेहतर कर पाते हो, तो मैं भी समझूंगा कि हाँ ठीक है। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और लेकर के आपके सामने आऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। बट टाइम दो, टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, दिस इज द न्यू सब्जेक्ट, न्यू ट्रेंड ऑफ योर एजुकेशन, दैट्स व्हाई आई होप यू विल टेक केयर अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड टेक केयर अबाउट योर सेल्फ एंड ऑल्सो विथ योर सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच।